Hello kids, welcome back to the class of general knowledge part 5 and we're back again with a new chapter in this new video today. Let's start. This is chapter number 40, ranking test. Right kids? So, hamara objective hai isme. Objective, this chapter deals with finding position. जो एक्टिविटी है ये हमें हेल्प करेगा राइट किड्स द क्वेश्चंस जनरली कंटेन टोटल नंबर ऑफ पर्संस एंड रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज लेफ्ट और राइट इज गिवन सो किड्स इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ये है कि किसी पर्सन की रैंकिंग क्या है वो कौन सी पोजीशन पे खड़ा है राइट से लेफ्ट से आगे से या पीछे से वो कौन सी रैंकिंग में अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम द अदर डायरेक्शन तो अदर डायरेक्शन से आपको उनका जो रैंकिंग है वो फाइंड करना है Let's start. Example 1. In a row of boy, if A who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their positions. So kids, अगर एक रो है, एक लड़कों की लाइन है, उसके अंदर A बच्चा जो है, वो 10th है, 10th नंबर पे है, left side से. And जो B वाला है, वो 9th है, right side से. मतलब लेफ्ट साइड से ये बच्चा 10वें नंबर पे है और जो बी बच्चा है बी नंबर का बच्चा जो है वो राइट से 9वें नंबर पे है राइट किड्स राइट से 9वें नंबर पर बी वाला बच्चा है एंड दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस वो अपनी जो पोजीशंस है उसको इंटरचेंज कर लेता है 10th वाला 9th पे और 9th वाला 10th पे यानी कि ए वाला बी पे और बी वाला बी की जगह पे आ जाता है तो ए बिकम्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट तो 15 बन जाता है जो ए है वो 15वें नंबर पे आ जाता है लेफ्ट साइड से हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो तो रो के अंदर कितने बच्चे हैं टोटल किड्स लेट्स फाइंड आउट द आंसर इज 23 अब ये कैसे है लेट्स फाइंड आउट एक्सप्लेनेशन से क्लियरली एज न्यू पोजीशन इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट जैसे हमें क्लियरली पता है कि ए की जो पोजीशन है अब वो 15th नंबर पे है लेफ्ट साइड से बट इज द सेम एज बीज पर ये से बी के बिल्कुल बराबर है अर्लियर पोजीशन के ठीक है विच इज 9 फ्रॉम द राइट जो कि राइट से 9th नंबर पे है राइट सो द टोटल नंबर विल बी एडिशन ऑफ दिस पोजीशन फ्रॉम द बोथ साइड सो किड्स नाउ यहाँ पर हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं हियर बी का जो पोजीशन है वो 9 है उसको अगर हम प्लस करेंगे 15 के साथ और माइनस 1 करेंगे एज इट इज रिटन माइनस 1 हियर सो 9 प्लस 15 विल बी तो 24 हमारा इसका आंसर बनता है जिसको माइनस 1 करने पे 23 हमारा आंसर आ जाएगा राइट किड्स नाउ लेट मी आंसर पढ़ते हैं लेट मी आंसर व्हाट इज योर रैंक इन द रो व्हिच यू आर सिटिंग आपकी रैंक क्या है जिस रो में भी आप बैठे हो उसमें आपकी रैंक क्या है किड्स नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल 2 हाउ मेनी 4s आर देयर प्रीसीडेड बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 3 So kids, यहाँ पर कितने फोर्स है जो कि प्रीसीडेड है 7 से पर 3 से नहीं लेट्स सी 5 9 3 2 1 7 4 2 6 9 7 6 1 3 2 8 7 4 1 3 8 3 2 5 6 7 4 3 9 5 8 2 0 1 8 7 4 6 3 राइट किड्स सो हमारे पास 7 कितनी बारी आया 1 2 3 4 और 5 सो द आंसर इज 3 फॉलोड बाय 3 नॉट फॉलोड बाय 3 में यहां पर है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 So the correct answer here is B, right? Answer यहाँ पर हमें B दे रखा है, which is 3. चलिए अब इसकी explanation find out करते हैं कि ये कैसे है. 7 4 7 4, right? And then 2 7 27 and then 17 and then 4 1 and 4 6. Right kids? So, only at these places 4 is preceded by 7 but not followed by 3. So, sirf inhi places mein jo 7 hai, wo 4 se precede kiya gaya par 3 se follow nahi kiya gaya.
सो दैट्स हाउ दिस इज द आंसर. राइट किड्स, चलिए अब हम अगले पेज पर बढ़ते हैं. ट्राइंग टू डू नंबर वन. नितिन रैंक्स 18 इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स. सो नितिन जो है वो एक 49 स्टूडेंट्स की क्लास में पढ़ता है जो कि 18th आया है. पूरी क्लास में से 18th पोजीशन पे आया है. व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट. तो अगर वो आगे से 18th आया है तो वो पीछे से कौन से नंबर पे होगा किड्स. सो किड्स 49 स्टूडेंट्स टोटल हैं इस क्लास में एंड 18th उसकी शुरुआत से रैंक है. तो अगर हम 49 से 18 को माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी लास्ट से रैंक कितनी आई थी. सो 9 माइनस 8 इज 1 एंड 4 माइनस 1 इज 3. 31 इज द आंसर व्हिच इज ए. सो करेक्ट आंसर इज 31. तो वो लास्ट से 31 आया है एंड शुरुआत से 18 आया है. राइट किड्स, नाउ नेक्स्ट इज अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल लाइन. तो एक लड़कों की क्लास जो है वो एक सिंगल लाइन में खड़ी होती है एंड वन बॉय इज 19th इन द ऑर्डर फ्रॉम द बोथ एंड्स. और एक लड़का जो है वो दोनों ही तरफ से 19th नंबर पर स्टैंड है. सो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास. तो पूरी क्लास में टोटल कितने लड़के हैं. सो किड्स इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रो एंड दिस इज द बॉय. अगर हम यहाँ से काउंट करें तो भी वो 19th नंबर पे आता है. अगर हम यहाँ से काउंट करें तो भी वो 19th नंबर पे आता है. तो अगर हम दोनों तरफ से 19 को प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास व्हिच इज 19 प्लस 19. वी गॉट इट हियर लाइक 18 एंड 3 38. 38 इज द आंसर. सो टोटल नंबर इन द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इज नंबर 38 पार्ट डी. राइट किड्स, सो 38 इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. 3 पर्संस ए बी सी. तो तीन लोग ए बी और सी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू. ए बी और सी जो है वो एक लाइन में खड़े हैं. राइट किड्स, एंड देयर आर 5 पर्संस बिटवीन ए. और ए और बी के बीच में 5 लोग खड़े हैं. राइट, एंड 8 पर्संस बिटवीन बी एंड सी. और बी और सी के बीच में 8 लोग खड़े हैं. इफ देयर बी 3 पर्संस अहेड ऑफ सी. तो अगर सी के आगे 3 लोग हैं और 21 पर्संस बिहाइंड ए और ए के पीछे 21 लोग खड़े हैं तो व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस इन द क्यू. कितने लोग होंगे इस लाइन के अंदर. तो किड्स इसका हमें कैसे पता चलेगा. विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. दिस इज अ लाइन. इसके अंदर ए बी और सी खड़े हैं जिसमें ए और बी के बीच में टोटल 5 लोग खड़े हैं और बी और सी के बीच में टोटल 8 लोग खड़े हैं. एंड एज इट इज गिवन ओवर हियर दैट एंड 8 पर्संस बिटवीन एंड बी एंड सी. इफ देयर बी 3 पर्संस अहेड ऑफ सी. अगर सी के आगे 3 लोग हैं. राइट किड्स, तो यहाँ पर होंगे 5 लोग यानी कि एंड अहेड ऑफ सी एंड 21 पर्संस बिहाइंड ए. और ए के पीछे जो है वो टोटल 21 लोग हैं. ए के पीछे टोटल 21 लोग हैं. सो अगर ए और बी ऐसे खड़े हैं और इनके बीच में 5 लोग हैं और ए के पीछे बाकी, तो द करेक्ट आंसर इज टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस क्यू स्टैंडिंग आर टोटल 28 पीपल. राइट किड्स, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 4. सैम रैंक 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. तो अब यहाँ पर एक सिमिलर सिचुएशन है जिसके अंदर सैम जो है उसने अपनी क्लास में 9th रैंकिंग ली है एंड ऊपर एंड फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम से वो 38th नंबर पे है. तो 38 प्लस 9 हुआ हमारा टोटल. द करेक्ट आंसर इज 47. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 47 क्योंकि हमने 9th पोजीशन और 38 को प्लस किया. राइट किड्स, और इससे हमारा टोटल नंबर आया 47. सो दैट मींस देयर आर टोटल 47 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड दैट्स व्हाई सैम रैंक्ड 9th ऑन द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम ही इज ऑन 38 नंबर. इसको आप एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं टू कंफर्म दैट इट इज द करेक्ट आंसर. दैट अगर आप, सो एज यू कैन सी किड्स, अगर हम 47 में से 38 माइनस करते हैं तो हमारा टोटल आंसर 9 आता है व्हिच मींस वी आर करेक्ट ओवर हियर.
Now number 5 is in a class of 180 students, 180 बच्चों की एक क्लास है जिसमें girls are twice the number of boys, जिसका मतलब जो लड़कियां हैं वो लड़कों के मुकाबले दुगनी है, राइट? अगर क्लास में 10 लड़के हैं तो उनकी जगह पर 20 लड़कियां हैं, they are twice in number. रुपेश ranked 34 from the top, और रुपेश 34th आता है टॉप में से, राइट? 180 बच्चों में से वो 34th नंबर पे आता है. इफ दे आर 18 गर्ल्स, अगर यहाँ पर 18 गर्ल्स है अहेड ऑफ रुपेश, रुपेश से पहले अगर 18 लड़कियां हैं तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर आर आफ्टर हिम इन द रैंक, तो रैंक में उसके बाद रुपेश के बाद टोटल कितने लड़के होंगे, राइट किड्स? सो हियर द करेक्ट आंसर इज पार्ट बी 44. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, राजन इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड से जो है राजन 6 नंबर पे है और विनय इज 10th फ्रॉम द राइट एंड, और राइट एंड से विनय 10वें नंबर पे है, राइट किड्स? सो इन अ रो ऑफ बॉयज, सो एक लड़कों की लाइन है जिसके अंदर जो राजन है वो 6th है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट यानी कि दिस साइड से जो राजन है वो 6th नंबर पे है, राइट? एंड जो विनय है वो 10th है राइट साइड से जो विनय है वो 10th नंबर पे है, राइट किड्स? सो वो 10th नंबर पे है पूरे लड़कों की लाइन में. इफ देयर आर 8 बॉयज बिटवीन राजन एंड विनय, और अगर राजन और विनय के बीच में जो है टोटल 8 लड़के हैं, तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो, तो रो के बीच में टोटल कितने बॉयज होंगे किड्स? सो वी हैव टू कंसिडर दैट 10th इज द लास्ट नंबर, सो द करेक्ट आंसर वुड बी 24, राइट किड्स? नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स की एक क्लास में एम इज 8th फ्रॉम टॉप, तो एम जो है वो टॉप से 8th नंबर पे आता है, एच इज 20th फ्रॉम द बॉटम, और एच जो है वो नीचे से 20वें नंबर पे है. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन एम एंड एच, और एच और एम के बीच में बताइए कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं किड्स? सो टोटल 50 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसके अंदर जो एम है वो 8th आता है ऊपर से, राइट? एंड एच जो है वो पीछे से 20 नंबर पे आता है, यानी कि इनके बीच में टोटल कितने बच्चे हुए? सो किड्स 50 स्टूडेंट्स की क्लास में हमने जैसे कि पढ़ा कि एम जो है 8th नंबर पे है टॉप से और 20 नंबर पे एच है वो नीचे से है, तो हमें ये पता लगाना है कि एम और एच के बीच में टोटल कितने बच्चे हैं. सो 20 प्लस 8 कितना हुआ 28, अगर उसको हम 50 से माइनस करते हैं सो वी विल गेट द आंसर व्हिच इज 22, राइट किड्स? सो विद दिस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 7, 3, 4, 6, 2, 8, 5 व्हिच आर एज फार अवे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द नंबर्स एज दे विल बी व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद द नंबर. सो किड्स इसके अंदर पूछा गया है कि जो ये नंबर हमें दिया गया है अगर इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो इसमें से कितने ऐसे डिजिट्स होंगे जो कि असेंडिंग ऑर्डर में लगने के बाद बिगनिंग से दूर होंगे, राइट किड्स? सो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर जो है सी, 2 डिजिट्स वुड बी देयर, राइट किड्स? सो नेक्स्ट इज लेट्स सी क्वेश्चन 9, इन अ रो ऑफ 30 बॉयज, 30 लड़कों की लाइन है, रो है, आर इज 4 फ्रॉम द राइट एंड, जो आर है वो राइट एंड से चौथे नंबर पे है, एंड W is 10th from the left end, और left end से W जो है वो 10वें नंबर पर है. How many boys are there between R और W? R और W के बीच में कितने boys होंगे total? So 30 boys हैं total and R चौथे नंबर पर है right end से. Correct answer is 16. अगर हम 30 से 14 को minus करते हैं, we will get the answer 16. Which is the total number of boys which are standing between R and W, right kids? So, आगे देखते हैं. Next is question number 10, which of the following is 5th to the right of the 12th digit from the right end of the below arrangement? So kids, which of the following is 5th to the right of the 12th digit? So 12th digit के right पर पांचवा नंबर कौन सा है?
So we'll count till the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So हम राइट साइड में पांच नंबर आगे जाएंगे, विच इज 1, 2, 3, 4, 5. सो यहाँ पर आंसर इज 7 गिवन ओवर हियर. सो द करेक्ट नंबर इज 7, विच इज डी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11. इन अ रो ऑफ बॉयज, एक लड़कों की लाइन में अगर ए नंबर जो है वो 10th नंबर पे है लेफ्ट से बी के, विच इज इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी जो बी है वो 9th पर है राइट साइड से, और वो दोनों अपने इंटरचेंज कर लेते हैं पोजीशंस को, मतलब आपस में अदला बदली कर लेते हैं, तो ए बिकम्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट. तो जो ए है वो लेफ्ट से 15वां नंबर पे चला जाता है. हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, तो इसका मतलब आप ये बताइए कि इस रो में टोटल कितने बॉयज है. राइट किड्स, सो 10 एंड 9 एंड 15. सो किड्स इन दिस हम इसको 15 को प्लस करेंगे 9 के साथ एंड वी विल गेट द करेक्ट आंसर एज 23 बिकॉज हम उससे माइनस 1 करेंगे. राइट किड्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 12. आई यू रैंक 16 इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट. सो 50 में से हम 16 माइनस करेंगे विच विल बी 34 इज द करेक्ट आंसर. सो डी इज 34. क्वेश्चन नंबर 13. इमरान रैंक्स 18 इन अ क्लास ऑफ 29 स्टूडेंट्स. अब 29 स्टूडेंट्स की क्लास में से इमरान ने 18th रैंक हासिल किया. व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट से उसकी रैंक कितनी होगी. अगेन वी हैव टू माइनस 29 में से 18, सो व्हाट विल इट बी 12. सो किड्स क्वेश्चन 14 हियर इज, सो हियर नाउ वी हैव इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स, 40 लड़कियों की लाइन में Husna was shifted to her left by 4 places. Her number from the left and end of the row became 10. So, Husna hai. Husna ko shift kar diya gaya. Left side se 4 place aage. Left end of the row became 10. What was the number of Naheed from the right end of the row? If Naheed was 3 places to the right of Husna's original position. Right kids? So, correct answer here will be A. 24. Next is 15. Furkan ranked 9th from the top and 38 from the bottom in a class. So Furkan jo hai wo 9th rank karta hai top se and 38 uska position aata hai niche se. So how many students are there in the class? So total number of students class mein kitne honge kids? That will be 38 plus 9. There will be total 47 students in the class. Right kids, next is 16. In a queue, एक line में A is 18 from the front while B is 16 from the back. So A जो है वो front से 18th number पे है और B जो है वो 16th number पे है. If C is 25th from the front, अगर C जो है वो फ्रंट साइड से 25वें नंबर पे है एंड इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ A, A और B के बिल्कुल मिडल में है, तो हाउ मेनी पर्संस आर देयर इन द क्यू. तो पूरी क्यू के अंदर, पूरी लाइन के अंदर टोटल कितने लोग हैं किड्स. वेल हियर वी हैव टू डू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन सच एज दिस इज अ रो एंड इन दिस रो नंबर A इज ऑन 18th नंबर जो कि है 18th नंबर A का and from the front and B is on 16th number from back, it is on 16th number from back. और इन दोनों के बीच में और पूरी रो में कितने लोग हैं हमें ये बताना है. और यहाँ पर एक कंडीशन ये दी गई है कि 25th नंबर पे जो C है वो प्लेस्ड है 18 और B के बीच में. राइट, सो हियर विल बी यहाँ से यहाँ तक 17 लोग हैं हमारे पास ऑलरेडी. राइट किड्स, एंड इससे आगे 18वां ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. राइट किड्स, यहाँ पे 25 मिडल में है ए और बी के, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
So here will be the correct answer is 47. Right kids, 17 is Naveen is 8 ranks ahead of Divya, who ranks 26th in a class of 42. So jo Naveen hai wo Divya se 8 ranks aage hai, upar hai, aur who ranks 26th in a class of 42. Aur of Divya, Divya jo hai wo 26th rank pe hai. राइट 42 बच्चों की क्लास है जिसमें दिव्या 26 रैंक पे है और नवीन उससे 8 रैंक ऊपर है. सो विल प्लस 26 में 8 प्लस करने से कितना आएगा किड्स? सो द आंसर विल बी 34. राइट किड्स, अगर हम 26 को प्लस कर देंगे 8 के साथ तो हमें रैंक मिल जाएगा विच इज 34. Right kids, so with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 5. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye bye, take care and thank you kids.